Hey, hi friends. Today I'm going to introduce you to the legendary Kasatek Nakamichi Dragon. इसको legendary इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक फीचर था जो उस ज़माने के लिहाज से बहुत ही एडवांस्ड फीचर था और उस फीचर का नाम था NAAC, दैट इज़ द नैक ऑटो एजिमुथ करेक्शन। इसमें होता क्या था कि जब आप कैसेट को प्ले करते थे तो उसके अंदर एक एजिमुथ की मोटर थी, इस जगह पे वो मोटर है, और वो मोटर आपके प्ले हेड को कंट्रोल करती है। सो व्हेन यू हिट प्ले, दैट मोटर स्टार्ट्स गेट्स इनटू एक्शन एंड इट एडजस्ट्स द एजिमुथ ऑफ योर प्ले हेड ऑटोमेटिकली एट सच ए पॉइंट जहाँ पे कि हाई फ्रिक्वेंसी सबसे खूबसूरत आ रही हो, सबसे ब्रिलियंट आ रही हो। तो आपको वो स्क्रू ड्राइवर लगाने की या मैनुअली कान से सुन के करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर 15,000 हर्ट्ज का एक टोन है जिससे कि वो उसको मैच करके एडजस्ट करती थी, और जब ये प्रोसेस हो रहा होता था तो ये जो आप एरो देख रहे हैं ये ब्लिंक करता था, यूं यूं ब्लिंक करता था। दिस वॉज वन ग्रेट फीचर। तो आपने टेप चाहे किसी भी डेक पे क्यों ना बनाई हो सकता है कि वो डेक ऑफ सेंटर हो प्ले उसका रिकॉर्ड हेड, लेकिन जब आप उसको इस ड्रैगन में बजाते तो उसके ऑटो एजिमुथ फीचर से आपको एकदम एक्यूरेट साउंड सुनने को मिल सकती थी। दिस वॉज वन ग्रेट फीचर ऑफ ड्रैगन। नंबर टू, ड्रैगन वॉज अ डायरेक्ट ड्राइव डेक, यानी इसके ये जो कैपस्टन्स घूम रहे हैं इनमें कोई बेल्ट नहीं है। इट वॉज अ ट्रूली डायरेक्ट ड्राइव। इस तरफ का कैपस्टन का जो थिकनेस है, उधर के कैपस्टन का जो थिकनेस है, दोनों डिफरेंट है। और जब आप इसको प्ले करते हैं तो दिस डेक हैज़ द कैपेबिलिटी टू प्ले बोथ साइड्स। आप इसको प्ले प्रेस करेंगे तो रील इधर से इधर चलने लगेगी, इसको प्ले करेंगे तो रील इधर से इधर चलने लगेगी। ये एक बहुत ही एडवांस्ड फीचर था। बिना हेड को घुमाए या बिना टिल्ट किए एक जगह पे हेड रहेगा और वो दोनों तरफ से कैसेट चल सकती है, और ऑटो एजिमुथ की वजह से जो प्ले हेड है दोनों ही केसेस में अपने परफेक्ट अलाइनमेंट को ढूंढ लेता है। सो दैट वाज अमेजिंग। सो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हेड में प्लेइंग के दो कोर्स थे, एक इस तरफ और एक उस तरफ, तो हेड भी इसका स्पेशल है। तो ड्रैगन में एक आप उसकी स्पेशलिटी कह लें या उसका एक ड्रॉबैक कह लें कि ड्रैगन का हेड जब खराब होता है यानी जब घिसता है तो आप उसको रीलैप करा सकते हैं, और रीलैप करने के लिए आपके पास अच्छे टेक्नीशियंस होने चाहिए जो उसको रीलैप करें, अन्यथा इसका हेड रिप्लेसिबल नहीं है किसी और नेक के साथ। आमतौर पे कोई और अगर थ्री हेड नेक आपके पास है तो आप उसका हेड दूसरे एक ब्रोकन डेक से लेकर के कैनिबलाइज करके उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते। एक बार हेड गया तो गया। सो दिस NAAC फीचर और दोनों तरफ से चलने का फीचर, डायरेक्ट ड्राइव मोटर, ये दो तीन चीज़ें ऐसी थी जो उस ज़माने के लिहाज से बहुत बहुत एडवांस थी। इसके अलावा इसमें बाकी सारे रूटीन फीचर्स हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं ये एक्सेलेंट, यानी टाइप वन टेप का कैलिब्रेशन, टाइप टू के कैलिब्रेशन के बटन्स बोथ लेवल एंड बायस, टाइप फोर के कैलिब्रेशन के बटन्स लेवल एंड बायस, और आपके प्लेबैक EQ के लिए, डॉल्बी के लिए, MPX फिल्टर, सबसोनिक फिल्टर, ऑटो रिकॉर्ड पॉज, ये भी एक बहुत अच्छा फीचर था। तो ये सारे फीचर से भरा हुआ ये डेक अपने जब पोटेंशियल पे बजता है और एकदम फुल्ली सर्विस्ड हो तो ही इस डेक को रखने का मज़ा है, अदरवाइज ये डेक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और ऐसा बहुत से टेक्नीशियंस का और बहुत से ऐसे कलेक्टर्स का ऐसा कहना है कि ये जो डेक है, अगर आप 10,000 सीरियल नंबर के नीचे का डेक ले रहे हैं तो उसके अंदर ये ऑटो एजिमुथ वाला जो NAAC फीचर था वो उतना एक्यूरेट नहीं चलता था और टिक 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 आवाज़ आती थी, विच वॉज वेरी वेरी ट्रबलसम। तो ये सारे प्रॉब्लम्स अगर आपको नहीं चाहिए और अच्छा नैक चाहिए तो आइडियली यू शुड लुक फॉर अ सीरियल नंबर अबव 20,000, जो कि बहुत महंगा मिलेगा और थोड़ा डिफिकल्ट है। अन्यथा आप एक और काम कर सकते हैं कि आप इसको 10,000 एंड अबव का सीरियल नंबर का डेक खरीद सकते हैं और ख़रीद के आप उसको किसी अच्छे टेक्नीशियन से सर्विस करा सकते हैं।
तो फिलहाल आपको इस नैक का मैं एक डेमो छोटा सा दे रहा हूँ फ्रॉम द प्लेबैक पर्सपेक्टिव। और ये जैसे मैंने इसमें कैसेट लोड कर दी है और कैसेट एक्सेलेंट है, हालांकि प्लेबैक के लिए इसको सिलेक्ट करने का कोई खास सेंस नहीं बनता, फिर भी जस्ट टू बी पर्टिकुलर। और इसको हम 120 EQ पे कर लेते हैं बिकॉज इट्स अ टाइप वन टेप। और मैं लेफ्ट टू राइट इसको प्ले करता हूँ। आपने देखा कि ये किस तरह से फ्लक्चुएट कर रहा था, तो इट वाज एडजस्टिंग द यू नो द टिल्ट ऑफ द हेड, और वो एडजस्ट होने के बाद ये लाइट अप ग्लो करने लगी। हियर इज द साउंड फॉर यू। Listen to the second side. Yeah.
Brought to the original specifications by a very, very competent technician. I think he has done great job. That is why you are getting such amazing, amazing sound. बाकी इसके अंदर ये ऑटो रिवर्स के लिए बटन है. आप अगर इसको एक बार ऑटो रिवर्स ऑन ऑफ आप कर सकते हैं, कैसेट खत्म होने के बाद अपने आप चले ना चले. फिर उसमें दो ऑप्शंस हैं. आप सिर्फ एक बार कैसेट को करना चाहते हैं वन साइड सेकेंड साइड, या कि बार बार करना चाहते हैं. बार बार करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन है. तो दिस इज़ अ कंप्लीट टेक. आई मीन इंजीनियर्स ने इसमें कुछ भी छोड़ा नहीं है जो कि आपके दिमाग में आए और वो चीज़ इसके अंदर ना हो. इट वॉज़ अ वेरी वेल थॉट, वेरी वेल कंसीव्ड, वेरी वेल डिजाइंड, वेरी वेल एग्जीक्यूटेड डेक. एंड प्रिसाइसली दैट इज़ द रीज़न वाई दिस डेक इज अ लीजेंड टिल नाउ. हालांकि जहां तक साउंड क्वालिटी की बात की जाती है तो साउंड क्वालिटी के मामले में मैं थोड़ा डिफर करूंगा, क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि द ZX7 और द ZX9 और द CR7 दे साउंड फार सुपीरियर देन दिस टेक. एंड एज फार एज रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज आर कंसर्न, ZX7, ZX9 आर द रिकॉर्डिंग स्टैंडर्ड्स. लेकिन डिस्पाइट ऑफ ऑल दैट, अ नैक इज अ नैक. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड लेट्स कनेक्ट वंस अगेन when I am back from the holidays. Thank you.